अनंतनाग जिले में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा क्षेत्र में बादल फटने से 16 लोगों की मौत हो गई। 40 तीर्थयात्री लापता है। सेना ने शनिवार सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। 6 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। उधर माउंटेन रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में कम से कम 3 लंगर और 25 यात्री तंबू बह गए। करीब 40 तीर्थयात्री लापता है। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। प्रशासन के साथ साथ NDRF और SDRF की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई है। PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने LG मनोज सिन्हा से हालात की जानकारी ली है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। फिलहाल यात्रा रोक दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक मौसम विभाग की रिपोर्ट और अन्य स्थितियों को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। देर रात तक बचाव कार्य जारी था। नीलागरर हेलीपैड पर मेडिकल टीमें मौजूद हैं। माउंटेन रेस्क्यू टीम और अन्य दल लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सुरक्षा कर्मियों ने दावा किया है कि हालात काबू में हैं और काफी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। सुरक्षा बलों का भी कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बचाव कार्य में सर्च और रेस्क्यू डॉग को भी लगाया गया है। शरीफाबाद से 2 सर्च और रेस्क्यू डॉग को हेलीकॉप्टर के जरिए पवित्र गुफा में ले जाया गया है। भारतीय सेना भी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए घायलों को लेकर सुरक्षित स्थानों और अस्पतालों में भेजा जा रहा है। सोनमर्ग के बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई है। एक श्रद्धालु ने कहा कि हमें आज के लिए यहां टेंट में रहने के लिए कहा गया है, वहां मौसम साफ नहीं है। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।